नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के इल्लूरू जिले के एक किसान परिवार में हुआ। 1929 में महात्मा गांधी के अनंतपुर दौरे ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद 1931 में उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। महज 25 साल की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया। 1940 से 1945 के बीच ज्यादातर समय उन्होंने जेल में गुजारा। 1946 में वो मद्रास असेंबली के लिए चुने गए। 1947 में वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने। 1951 में उन्होंने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। इसके बाद 1956 और 1962 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1959 से 1962 के बीच वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 1964 में वो लाल बहादुर शास्त्री सरकार में स्टील और खनन मामलों के मंत्री बनाए गए। इसी साल नवंबर में वो राज्यसभा के लिए चुने गए। जनवरी 1966 से मार्च 1967 के बीच वो इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में सड़क परिवहन, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री भी रहे। 1967 में वो लोकसभा के लिए चुने गए और सदन के स्पीकर बनाए गए। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के देहांत के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन वीवी गिरी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। 1975 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के नांदयाल से जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता और फिर से स्पीकर बनाए गए। जुलाई 1977 में उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया और इस बार वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए। अपना कार्यकाल पूरा कर वो अपने गांव इल्लूरू में जाकर बस गए। 1 जून 1996 को 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।